जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान गेहूं की फसल निकालते समय नींद की झपकी आने से थ्रेसल मशीन का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। मशीन से गेहूं की जगह टुकड़े निकलते दिखाई दिए हैं। दरअसल घटना सोमवार देर रात 3 बजे राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर के मीतासर गाँव की बताई जा रही है। वही मृतक के भाई कालूराम जानी ने बताया कि चाचा कान्हाराम ने उनके खेत में गेहूं निकलवाए थे। इसके बाद शीशराम 22 वर्षीय और सभी भाई चाचा के खेत में गेहूं निकलवा गए थे। इस दौरान शेषराम ने चाचा को कहा कि मैं थ्रेसल मशीन पर जल्दी जल्दी पूली दे दूंगा, इसलिए मैं थ्रेसल मशीन पर खड़ा हो जाता हूं। देर रात करीब 3 बजे चाचा के खेत में गेहूं निकलवा रहे थे और शेषराम थ्रेसल पर गेहूं की पूलियां लगा रहा था। इसी दौरान ही उसे नींद की झपकी आ गई थी और इस घटना को अंजाम मिला है। और बताया जा रहा है कि परिवार के लोग उस समय कुछ नहीं कर सके और देखते देखते भाइयों के सामने इस घटना को अंजाम मिला है। कालूराम ने बताया कि इस घटना के दौरान उसके चाचा कान्हाराम, भाई ओम प्रकाश, रामेश्वर और परिवार के अन्य लोग मौजूद थे और थ्रेसल उसके ताऊ मानजी जाना की बताई जा रही है। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि सुबह 6 बजे सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचे हैं। बाहर निकलवाने के बाद पीएम के लिए भिजवाया और सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सरदार शहर कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन इंद्रराज सारण ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन दिया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।